हेलो गाइस, दिस कार्तिक पांडे फ्रॉम आईटी बीएचयू एंड यू आर वाचिंग नीरो ऑनलाइन कोचिंग। गाइस, जैसा कि अपन लोगों ने मॉडर्न फिजिक्स का सीरीज भी कंटिन्यू किया था, तो मॉडर्न फिजिक्स का पहला लेक्चर आ चुका है, जिसमें कि अपन लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मीनिंग जान लिया था कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना। और उसमें अपन लोगों ने एक बेसिक आइंस्टीन की इक्वेशन लिख रखी थी, दैट वॉज फॉलिंग एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। क्लियर गाइस? फिर अपन ने कुछ वेरिएशंस भी करके देखे थे, फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है ना, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी के साथ, ठीक है ना। फिर अपन ने लैम्डा का वेरिएशन भी देखा था, बहुत सारे तरह के वेरिएशन अपन ने देखे थे लास्ट क्लास में। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा हो, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पिछले लेक्चर पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, अपन उससे आगे चलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ही आगे अपन बढ़ते हैं। तो देखिए, बात यह थी कि सर, अपन ने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सीखा उसका यूज क्या है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दैट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एप्लीकेशन होते हैं वो बहुत सारे हैं, बट मैं यहाँ पे मेजर एप्लीकेशन लूंगा, एंड दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है ना। फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो होते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में क्या होता है कि लाइट फॉल करती है एक पर्टिकुलर टर्मिनल पे, ठीक है ना। लाइट फॉल करने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स निकले, और जब इलेक्ट्रॉन्स निकले एनर्जी ले करके, तो वो अपोजिट टर्मिनल में पहुंचे, अपोजिट टर्मिनल पहुंचे जिसकी वजह से करंट का कंस्ट्रक्शन हुआ, ठीक है ना। और जो करंट का कंस्ट्रक्शन हुआ उसकी वजह से, जो करंट का फॉर्मेशन हुआ उसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिनाज होते हैं, ठीक है। तो अपन लोग इस पर्टिकुलर फिनोमिना को यूज कर सकते हैं, जो ऑटोमेटिक आपकी सोलर लाइट्स होती है, या सीरियसली बोले तो जो आपकी ये स्ट्रीट लाइट्स होती है, जैसे ही शाम होती है अपने आप चालू हो जाती हैं, और जैसे ही मॉर्निंग होती है अपने आप बंद हो जाती हैं। फिर कई बार बर्गलर अलार्म या फायर अलार्म रूम में लगा हुआ है, जैसे इंटेंसिटी बढ़ी तो भैया फॉलिंग जो एनर्जी हुई, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन इंक्रीज हुए, जब नंबर ऑफ फोटॉन इंक्रीज हुए उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए, उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हुआ, और फिनोमिनाज हुए जो भी एक्स वाई जेड। बट हम फोटो सेल के बारे में आज बात करते हैं, अपन धीरे धीरे करके सब समझ जाएंगे कि अपन ने जो शुरुआत में वर्डिंग यूज करी थी उसका मीनिंग क्या था। तो लेट अस सपोज हमारे पास दो टर्मिनल हैं, ठीक है ना, दो टर्मिनल हैं जिनको कि मैंने बैटरी से कनेक्ट करा रखा है, लेट अस सपोज, ठीक है गाइस, लाइक दिस। हो क्या रहा होगा, मैंने इस टर्मिनल पे लेट अस सपोज फोटोन फॉल करा है, क्लियर है, एच न्यू एनर्जी का, कितने एनर्जी का, एच न्यू एनर्जी का फोटोन फॉल कराया। तो जब फोटोन फॉल कराया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेकर के और भागेंगे भैया, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेके भागेंगे। तो अब आप खुद से सोचिए कि जब इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेके भागेंगे, तो लेट अस सपोज जो यहाँ पे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कराया है, यदि उसकी वैल्यू वी की वैल्यू जीरो है, अप्लाइड पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है, मतलब ना यहाँ पे निगेटिव क्रिएटेड है ना यहाँ पॉजिटिव क्रिएटेड है, तब भी आप खुद से सोचिए कि जब यहाँ से मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन में से कुछ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पहुंच ही जाएंगे, भले हमने यहाँ पोटेंशियल नहीं लगाया है, भले यहाँ से कोई अट्रैक्शन नहीं हो रहा इलेक्ट्रॉन्स का, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो अपोजिट प्लेट में पहुंचेंगे, और जब कुछ इलेक्ट्रॉन अपोजिट प्लेट में पहुंचेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन्स का सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा तो ये क्या कंस्टिट्यूट करेगा, ये कंस्टिट्यूट करेगा करंट, और ये किसकी वजह से हुआ, ये फोटोन पार्टिकल्स की वजह से हुआ। सो इसीलिए हम इसे नाम बोलते हैं फोटो करंट, और फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं, क्लियर गाइस। तो फोटो करंट और फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज करंट डेवलप्ड इन अ सर्किट ड्यू टू फॉलिंग फोटॉन्स ऑन वन टर्मिनल व्हिच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रॉन, क्लियर गाइस। लेट अस सपोज गाइस, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं वी की वैल्यू जीरो की बजाय नॉन जीरो कर देता हूं, मतलब कुछ एक्स वाई जेड 1 वोल्ट और 2 वोल्ट और 3 वोल्ट कर दिया, तो क्या हुआ होगा देखते हैं, ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, पॉजिटिव टर्मिनल क्रिएट होगा, यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, निगेटिव टर्मिनल क्रिएट होगा, और ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे उनको अपने साइड अट्रैक्ट करेगा, जब उन इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, पहले हो सकता है कि यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, लेट अस सपोज जो इलेक्ट्रॉन निकले थे पहले वो 10 थे, और उस वक्त जो पोटेंशियल था वो 0 था, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन 10 थे, पोटेंशियल 0 था, तब हो सकता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ रीच कर रहे थे अपोजिट टर्मिनल पे, इलेक्ट्रॉन रीचिंग ऑन अपोजिट टर्मिनल, ठीक है ना, वो कितने थे, लेट अस सपोज पहले एक था, एक इलेक्ट्रॉन रहा होगा, लेट अस अज्यूम कि एक इलेक्ट्रॉन पहुंचा होगा। अभी हमने वी की वैल्यू 0 की बजाय नॉन जीरो कर दी, तो अभी भी 10 इलेक्ट्रॉन ही प्रोड्यूस हो रहे हैं,
इलेक्ट्रॉन तो 10 ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन अब आप जब वी की वैल्यू लेटर सपोज कर दिया 2 वोल्ट, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि ऐसा ही होगा किसी केस में, वो डिपेंड करेगा उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर कि कितने इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, क्या अप्लाई कर रहे हैं, बट एक एग्जांपल ले रहा हूं कि अब मैंने यहाँ 2 वोल्ट लगा दिया पोटेंशियल, जब 2 वोल्ट लगा दिया तो ये अट्रैक्शन स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस अपोजिट टर्मिनल पर रीच करना इंक्रीज कर देंगे, मतलब 1 की बजाय अब हो सकता है कि 4 और 5 इलेक्ट्रॉन रीच करने लगे। तो जब 4 और 5 इलेक्ट्रॉन रीच करने लगे, तो लेट अस सपोज मैंने मान लिया कि 4 to 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रीच करने लगे, पहले 1 इलेक्ट्रॉन रीच कर रहा था, अभी 4 to 5 इलेक्ट्रॉन रीच करने लगे। अगला केस, अभी भी 10 इलेक्ट्रॉन ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन अब मैंने ये पोटेंशियल इंक्रीज करके कर दिया 6 वोल्ट, तो लेट अस सपोज 6 वोल्ट की वजह से अभी बहुत ज्यादा पॉजिटिव अट्रैक्शन लगाने लगेगा, तो भैया उसकी वजह से क्या हो जाएगा, अब लेट अस सपोज 8 से 9 इलेक्ट्रॉन पहुंचने लगे, कितने पहुंचने लगे, 8 से 9 इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज कराया, इलेक्ट्रॉन तो अभी भी 10 ही निकल रहे हैं, क्यों, क्योंकि भैया हमने पता है कि जितने नंबर ऑफ फोटोन फॉल कर रहे होंगे, जितने नंबर ऑफ फोटोन फॉल कर रहे होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्लियर है गाइस, तो आई एम नॉट सेइंग कि उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्योंकि हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉन ना निकले, क्योंकि इतनी एनर्जी ना हो फॉलिंग फोटोन की कि वो इलेक्ट्रॉन को निकाल पाए, लेकिन एक बात तो कह सकते हैं कि जितने ज्यादा फोटोन फॉल करेंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, मतलब एज यू विल इंक्रीज द नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन भी इंक्रीज कर जाएगा, क्लियर है गाइस, अभी अपन वो चीज सीखेंगे आगे चल के, बट अभी बस बेसिक जान रहे हैं। तो जब हमने लाइट फिक्स रखी है, लाइट का इंटेंसिटी चेंज नहीं कर रहा, तो 10 इलेक्ट्रॉन अभी भी निकलेंगे, ठीक है ना, जो 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वही वही केस है, मतलब बस मैं पोटेंशियल बढ़ाते जा रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे लगा दिया, लेट्स सपोज 10 वोल्ट लगा दिया, तो 10 वोल्ट लगा दिया तो हो सकता है कि 10 के 10 इलेक्ट्रॉन हो जाए अट्रैक्ट। अगला केस, 10 इलेक्ट्रॉन अभी भी निकल रहे हैं, लेकिन अब मैं पोटेंशियल जो लगा दिया वो लगा दिया 12 वोल्ट, तो क्या होगा, 12 वोल्ट की वजह से क्या 11 इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएंगे, नहीं, नेवर नेवर नेवर, क्यों, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन तो प्रोड्यूस ही हो रहे हैं, तो पहुंचेंगे कितने, 10 ही पहुंचेंगे, 11 की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सो 10 इलेक्ट्रॉन, अब यदि आप इसे 14 वोल्ट भी कर देंगे तब भी यहां कितना होगा, 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम अप्लाई पोटेंशियल की वैल्यू, पॉजिटिव पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, फोटो करंट की वैल्यू इंक्रीज तो करेगी ड्यू टू इंक्रीज इन रीचिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अपोजिट टर्मिनल, बट आफ्टर अ सर्टेन एक्सटेंट और आफ्टर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल, जो फोटो करंट होगा वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, मैक्सिमम होगा लेकिन कॉन्स्टेंट हो जाएगा, क्लियर है गाइस, एंड दैट मैक्सिमम कॉन्स्टेंट फोटो करंट इज नोन एज सैचुरेशन करंट, क्लियर है गाइस, जब हमारा करंट फोटो करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो और कॉन्स्टेंट हो, क्लियर है गाइस, उस वक्त का जो सैचुरेशन करंट, जो उस वक्त का फोटो करंट होगा, दैट इज नोन एज सैचुरेशन करंट। नाउ अब हम थोड़ा सा और चेंज करते हैं, अभी इलेक्ट्रॉन तो 10 ही निकल रहे हैं लेट अस सपोज, ठीक है, लेकिन अब हमने पोटेंशियल जो अप्लाई किया वो अप्लाई कर दिया माइनस टू वोल्ट, कितना अप्लाई कर दिया -2, देख लीजिए केस चेंज हो गए, यहां तक आप क्या लगा रखे थे, पॉजिटिव टर्मिनल ये था, निगेटिव टर्मिनल ये था, मतलब बोले तो बैटरी की पोलैरिटी ऐसी थी, अभी जैसे ही आपने लगाया -2 वोल्ट, मतलब आपने बैटरी की पोलैरिटी उलट दी, कुछ ऐसा कर दिया, यहाँ निगेटिव क्रिएट कर दिया और यहाँ पॉजिटिव क्रिएट कर दिया, अब जब यहाँ निगेटिव क्रिएट कर दिया तो क्या हुआ होगा, खुद से सोचिए, तो अब यह निगेटिव टर्मिनल पहुँचने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपल करना स्टार्ट करेगा, और जब पहुँचने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपल करना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, जो वहाँ पे पहुँचते रहे होंगे इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रीच जो कर रहे होंगे वो डिक्रीज करने लगे होंगे, नंबर इलेक्ट्रॉन जो कि अपोजिट टर्मिनल पहुंचते रहे होंगे वो डिक्रीज कर रहे होंगे, अब जब डिक्रीज करेंगे, मैंने इसे कर दिया -10 वोल्ट, मतलब अब मैंने निगेटिव में इतना पोटेंशियल बढ़ा दिया कि भैया एक वक्त ऐसा आएगा कि जो हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन यहां से इधर की ओर चला होगा वो भी रुक जाएगा। पहले क्या हुआ होगा, पहले जब हम थोड़ा सा निगेटिव पोटेंशियल लगाए होंगे तो जो लो एनर्जी वाले रहे होंगे वो रुक गए होंगे, लेकिन हाई एनर्जी वाला अभी पहुंचा होगा, नहीं मैं नहीं मानूंगा, मैं पहुंचूंगा, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मैं पोटेंशियल निगेटिव साइड बढ़ाता जाऊंगा एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो भी रुक जाएगा, कहेगा यार मेरे से भी नहीं जाना, मैं नहीं जा पाऊंगा, और जब वो नहीं जाएगा उस वक्त का जो फोटो करंट होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा उस वक्त का फोटो करंट, क्लियर है गाइस। सो जो निगेटिव पोटेंशियल
जो निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया गया जिस पे फोटो करंट फर्स्ट बार जीरो हुआ, दैट फोटो दैट अप्लाइड पोटेंशियल इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसे अपन लोग क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। क्लियर है गाइस? और फिर ये भी बोल सकते हैं कि एट स्टॉपिंग पोटेंशियल वैल्यू ऑफ फोटो करंट इन सर्किट इज जीरो, और स्टॉपिंग पोटेंशियल इज दैट निगेटिव पोटेंशियल विच कैन स्टॉप ऑल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम रीचिंग अपोजिट टर्मिनल। क्लियर है गाइस? तो अब यदि अपन वेरिएशन ड्रॉ करने जाएं, क्या ड्रॉ करने जाएं, वेरिएशन ड्रॉ करने जाएं, ठीक है ना गाइस, इलेक्ट्रॉन्स का या सॉरी फोटो करंट का विद रिस्पेक्ट टू अप्लाइड पोटेंशियल, तो वो वेरिएशन कैसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा गाइस। ध्यान से सोचिए, मैंने इधर की ओर पोटेंशियल दिखाना है और इधर की ओर मुझे क्या दिखाना है, फोटो करंट दिखाना है। ये इंटेंसिटी नहीं है, ये आई है। आई बोले तो फोटो करंट, आईपी लिख देता हूं तो आपको समझ में आएगा कि आई बोले तो करंट, एमपी बोले तो फोटो, सो आईपी इज फोटो करंट। तो गाइस पोटेंशियल ड्रॉ करेंगे तो जब पोटेंशियल की वैल्यू जीरो रही होगी तब भी कुछ ना कुछ तो फोटो करंट रहा होगा, क्योंकि देख सकते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन तो पहुंच गए होंगे, मतलब कुछ यहाँ पे। क्लियर है गाइस? फिर क्या हुआ होगा, फिर आप जैसे जैसे अप्लाइड पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाएंगे पॉजिटिव पोटेंशियल की, आपका इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, एंड दैट मैक्सिमम करंट इज नोन एज सेचुरेशन करंट। क्लियर है गाइस? दैट मैक्सिमम करंट विल बी नोन एज व्हाट, सेचुरेशन करंट। क्लियर है? अब बात आती है उस साइड कैसा ड्रॉ होगा, तो गाइस एकदम सिंपली सोचेंगे, दैट विल बी लाइक दिस, यहां पे कंटिन्यूअस होगा, अलग से कुछ नहीं ड्रॉ करना अपन को, लाइक दिस वो करंट का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ठीक है गाइस? अब ये आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे निगेटिव में ड्रॉ कर दिए, वो ऐसे ड्रॉ कर दिए कि जैसे हम पोलरिटी चेंज कर रहे हैं, मतलब बोले तो निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना स्टार्ट किए, तो सेचुरेशन करंट की वैल्यू डिक्रीज करने लगेगी, डिक्रीज करने लगेगी। एक वक्त ऐसा आएगा निगेटिव पोटेंशियल में जब हमारे फोटो करंट की वैल्यू इन सर्किट कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। फिर से सुन लीजिए, जैसे हम निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे फोटो करंट की वैल्यू डिक्रीज करने लगेगी, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो यहाँ रीच कर रहे होंगे अब वो डिक्रीज करने लगेंगे, लेकिन कुछ हाई काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन अभी भी रीच कर रहे होंगे। लेकिन एक वक्त निगेटिव पोटेंशियल इतना ज्यादा हो जाएगा कि उस वक्त कोई भी इलेक्ट्रॉन अपोजिट टर्मिनल नहीं पहुंच पाएगा, और उस वक्त जो फोटो करंट होगा सर्किट में वो कितना होगा, जीरो होगा, एंड दिस पोटेंशियल इज नोन एज वीएस, बोले तो स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर है गाइस? सो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज दैट निगेटिव पोटेंशियल एट विच फोटो करंट इन सर्किट बिकम्स जीरो फॉर फर्स्ट टाइम। क्लियर है गाइस? और सैचुरेशन करंट इज दैट मैक्सिमम कांस्टेंट करंट, दैट मैक्सिमम कांस्टेंट करंट आफ्टर विच देर विल बी नो इंक्रीज इन करंट। ठीक है ना? सीधे सीधे ये बोले, या ये बोले कि करंट ऑन दैट ऑफ दैट टाइम व्हेन ऑल इलेक्ट्रॉन रीचेस फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल, जब एक टर्मिनल से प्रोड्यूस होने वाले हर इलेक्ट्रॉन अपोजिट टर्मिनल पहुंच गए हो, उस वक्त का जो मैक्स मतलब जो करंट रहा होगा दैट इज नोन एज सेचुरेशन करंट। क्लियर है गाइस? तो ये हो गया वेरिएशन ऑफ किसका, सेचुरेशन करंट और फोटो करंट इन सर्किट विद रिस्पेक्ट टू अप्लाइड पोटेंशियल। अब इसको थोड़ा सा और मैं एकदम क्लियर बता देता हूँ, कई लोगों के माइंड में मिसकंसेप्शन आ जाएगा, सर ये क्या कैसे ग्राफ है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे है। क्लियर है गाइस? ऐसे है, मतलब ऐसे और ये ऐसे थोड़ा सा, मतलब ये कंटिन्यूअस है, बीच में कोई जर्क वर्क नहीं है, यहाँ यहाँ मेरा फिगर थोड़ा सा उस तरह बना हुआ है, दैट डज नॉट मीन कि बीच में कोई जर्क है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है ना? ये ग्राफ आपका कंटिन्यूअस होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके गाइस, तो ये हो गया आपका वेरिएशन ऑफ फोटो करेंट इन सर्किट विद रिस्पेक्ट टू अप्लाइड पोटेंशियल। नाउ अब बात आती है कि सर ये हम अप्लाइड पोटेंशियल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सॉरी स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, या फोटो करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखिए गाइस, यहाँ कंट्रोवर्सी क्रिएट क्रिएट करूंगा मैं थोड़ा सा। एनसीईआरटी में कुछ चीजें और दी हुई है, मेरे सुपर 30 मेरे सर ने कुछ और पढ़ाया था, एंड मैं अपने सर को गॉड मानता हूँ, तो जब गॉड मानता हूँ तो उनकी बातें ज्यादा मैं प्योर मानूंगा, बट उन्होंने गॉड मानने के पीछे रीजन भी है, जो मेरे सर कहते थे वो 100% रीजन के साथ कहते थे, तो मैं भी आज आपको कई बड़ी बड़ी चीजें दिखाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं अपन सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू। ठीक है गाइस?
और फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल का वेरिएशन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद दोबारा अपन कहाँ पे आएंगे, सैचुरेशन करंट पे, और फिर सैचुरेशन करंट के बारे में स्टडी करेंगे। तो पहले अपन स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में पढ़ लेते हैं। और ये क्या बनाया था मैंने, ये एक फोटो सेल बनाया, या आप सीधे सीधे बोले तो फोटो सेल भी नहीं बनाया मैंने, बस मैंने स्टडी करी कि भैया जो इलेक्ट्रॉन एक टर्मिनल दूसरे टर्मिनल में पहुंचेंगे उनमें क्या कैसे वेरिएशन हो सकते हैं। क्लियर गाइस? या किसी भी सेल में या किसी भी सर्किट पे लाइट की वजह से जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, डेवलप होंगे, उनकी वजह से जो फोटो करंट होगा वो कैसे चेंज होगा, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, कब जीरो होगा, ये सारी चीजें अपन ने स्टडी करी इस केस में। क्लियर गाइस? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और निकालते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो नाउ गाइस, अब अपन बात करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में। तो क्या मैंने बोला कि हमने अपोजिट सॉरी पोलैरिटी चेंज करी तो इलेक्ट्रॉन रीच करना बंद किए, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कौन से इलेक्ट्रॉन को रोकता है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने वाला पोटेंशियल जो होता है, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि भैया जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला होगा वो काइनेटिक एनर्जी के ही लेके निकला होगा, तो मैं उस पे अपोजिट पोलैरिटी लगा के इतना निगेटिव वर्क करा दूं कि उसका फाइनली यहां तक पहुंचते पहुंचते काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। और जब उसको काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, वहां तक नहीं पहुंचेगा, वापस लौट जाएगा। तो सीधे सीधे अपन सीधे सीधे वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू WEET क्या कहता है वो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट और एक्सटर्नल सिस्टम, दैट इज व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बस पुट करा दीजिए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना हो जाएगा, E इंटू VS माइनस का। वी एस क्यों लिया, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल के वक्त की बात कर रहे हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोक रहे हैं ना, तो उस वक्त अप्लाइड पोटेंशियल कितना रहा होगा, वी एस रहा होगा। और एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसके ऊपर किया गया वर्क डन कितना होगा, माइनस ई इंटू वी एस। क्लियर गाइज? आप पूछ रहे होंगे कि सर माइनस ई इंटू वी एस क्यों है, तो दो तरीके से हो सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे एक तो भैया अपोजिट फोर्स लग रहा है तो भैया निगेटिव वर्क डन, या आप चार्ज वाइज बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। तो माइनस ई इंटू बी एस इक्वल टू क्या क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनली कितना करना, जीरो करना, इनिशियल कितना था, के मैक्स। तो यहां से आपका आ गया ई इंटू वी एस इक्वल टू के मैक्स। सो गाइस, ये हमारे पास इक्वलिटी आ गई। अब मैं याद करिए वो आइंस्टीन इक्वेशन जो अपन लोगों ने लास्ट क्लास में लिखी थी, वो क्या थी, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल टू के मैक्स, यही थी इक्वेशन, एम आई करेक्ट? तो के मैक्स हमें से रिप्लेस करा दीजिए, क्या आ गया, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये न्यू नॉट क्या था, ये था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर है गाइस? तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल टू के मैक्स, हमें क्या पुट कर देंगे, ई इंटू वी एस। जैसे ही ई इंटू वी एस पुट करेंगे तो अगले मोड में हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये कुछ इक्वेशन हमारा ऐसा दिखेगा, एच न्यू बाई ई माइनस एच न्यू नॉट बाई ई इक्वल टू वी एस। सो गाइज, ये आपका आ गया एक इक्वेशन। अब देखिए ध्यान से, तो क्या ये सिमिलर दिख रहा है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के, एम एक्स प्लस सी के, एम एक्स प्लस सी, विच इज बेसिक इक्वेशन ऑफ व्हाट, स्ट्रेट लाइन, वेयर वाई इज वी एस, है ना। और आपका एक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा, और जो एम हो जाएगा वो एच बाई ई हो जाएगा, और सी हो जाएगा एच न्यू नॉट माइनस ई। तो इसका वेरिएशन ड्रॉ करने जाएंगे तो इसका वेरिएशन कुछ कैसा आएगा, ऐसा ही आएगा। क्लियर है गाइस? दिस इज वी एस एंड दिस इज न्यू। क्लियर है गाइस? अब इसको पीछे ड्रॉ करेंगे तो ये कौन सी वैल्यू हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू दी एच न्यू नॉट अपॉन ई, और जो इसका स्लोप होगा थीटा, दैट विल टैन इनवर्स, मतलब स्लोप नहीं, थीटा जो होगा इंक्लिनेशन, दैट विल बी टैन इनवर्स एच बाई ई। ना होल्ड ऑन, यहाँ बहुत प्यारी बात आने वाली है। जो हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया था काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में, उसका जो स्लोप आया था या जो थीटा आया था, इंक्लिनेशन आया था, वो आया था टेन इनवर्स एच। और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल और न्यू के बीच के ग्राफ है, जो उसकी में स्लोप आ रहा है या जो थीटा आ रहा है, इंक्लिनेशन आ रहा है, वो टेन इनवर्स एच बाई ई आ रहा है। तो एग्जाम में इस बात का ध्यान रखिएगा कि कौन सा ग्राफ दिया हुआ है, किसी में भी कोई स्लोप मत लगा दीजिएगा। जब स्टॉपिंग पोटेंशियल और न्यू का वेरिएशन होगा तब एच बाई ई आएगा, यदि काइनेटिक एनर्जी और न्यू का होगा तो क्या था, टेन इनवर्स एच था। क्लियर है गाइस? So, ये हो गया अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल का वेरिएशन। क्लियर है गाइस? अभी अपन प्रॉब्लम्स नहीं कर रहे हैं इसमें, अभी बस अपन कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, प्रॉब्लम्स भी करेंगे अच्छे तरीके से करेंगे। मेरा मानना होता है कि मॉडर्न फिजिक्स में जितनी अच्छी आपका थ्योरी पोर्शन क्लियर क्लियर होगा, उतना अच्छा आप आगे चल के कर पाएंगे क्या प्रॉब्लम्स को। तो
न्यू एस इज इक्वल टू जो हो गया, सॉरी वी एस का न्यू के साथ वेरिएशन आ गया ये आपका, क्लियर है गाइस? तो मेरा मानना है कि अब आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज दैट पोटेंशियल, निगेटिव पोटेंशियल एट विच फोटो करेंट बिकम जीरो फॉर फर्स्ट टाइम, क्लियर है गाइस? अब आगे बात करते हैं, अब बात आती है कि सर ये जो सेचुरेशन करंट है इसके बारे में कुछ बताइए। तो चलिए सेचुरेशन करंट के बारे में पहले सीखते हैं, ठीक है? एकदम ध्यान से देखेंगे कि सेचुरेशन करंट होता क्या है। सुनाओ गाइज, अब आता है कि भैया ये सर फोटो करंट है क्या, मतलब सेचुरेशन करंट क्या हो, कितनी वैल्यू आएगी, ये है क्या, ये तो जान लिए, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, क्लियर है? तो मैं कहूंगा बेटा सेचुरेशन करंट कितना आएगा जानना है, सेचुरेशन करंट आएगा आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब आप बोलोगे सर क्यू बाई टी आएगा तो सर क्यू क्या होगा सर, तो मैं क्यू बोलूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, क्यू होगा एन ई बाई टी। अब एन क्या है, एन हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड, और ई क्या है, ई हो गया चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन दैट इज टोटल चार्ज बाई टाइम टी, दिस इज आई। अभी देखिएगा मैं बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाला हूँ लोगों की नजरों में, जानकार पंडित जो बोलते हैं, ठीक है ना, लेकिन मैं वही पढ़ाता हूँ जो मैंने अपने सर से पढ़ा है, और मेरे सर गलत नहीं है, और मेरे सर क्या यार, मैं इसका प्रूफ भी दूंगा कि कई बुक्स सही बोलती हैं और कई बुक्स कैसे गलत भी बोलती हैं, दिखाता हूँ। तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया एनी बाई टी। अब मैंने एक बात बोली थी आप लोगों को याद हो तो, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर, सॉरी नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस इंक्रीज करेंगे, ना कि ऐसा होगा कि जितने फोटोन फॉल कर रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्यों, क्योंकि हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड हो और कोई इलेक्ट्रॉन मजबूती से बॉन्डेड हो, तो जो मजबूती से बॉन्डेड होगा उसको तो भैया सेम एनर्जी वाला है फोटोन नहीं निकाल पाएगा, लेकिन वहीं पे लूजली बॉन्डेड को निकाल देगा, तो एक फोटोन जो फॉल भी किया वो तो वेस्ट हो गया दूसरे वाले पे। मतलब एक बात पता चली मुझे कि जो नंबर ऑफ फोटोन फॉल कर रहे हैं उसके बराबर भी हो सकता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस, और हो सकता है कि उससे कम भी हो। तो यहाँ से एक और अपन का कांस्टेंट डिफाइन हो गया, पैरामीटर डिफाइन हो गया, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफिशियंसी। क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफिशियंसी, जिसको कि अपन पी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, पी से, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड अपॉन नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग इंटू 100, क्लियर है गाइस? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड जो कि फोटोन के फॉल करने की वजह से यहां से निकले होंगे अपॉन नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग ऑन दैट सरफेस मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस इज व्हाट, फोटो इलेक्ट्रिक इफिशियंसी। सो नाउ गाइस, अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस एन विल बी इक्वल टू दी, एन विल बी इक्वल टू दी पी बाय 100 इंटू नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग यार, अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला जो पी बाई 100 इंटू नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग, दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे ये सरफेस है, यहाँ पे ऐसे फोटोन फॉल कर रहे हैं, या हो सकता है कि किसी एंगल पे फॉल कर रहे हैं ऐसे, ठीक है ना, दोनों चीज ले सकते हैं, नॉर्मली फॉल कर रहा है या किसी एंगल फॉल कर रहा है, तो मैं सबसे मोस्ट जनरल ले रहा हूँ, किसी एंगल फॉल कर रहा है, यदि नॉर्मली फॉल कर रहा है थीटा की वैल्यू जीरो करा दीजिएगा, ठीक है, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी बाई 100 इंटू, अब नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग, तो नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग कितना हो जाएगा, टोटल एनर्जी फॉलिंग अपॉन एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन, टोटल एनर्जी फॉलिंग अपॉन एनर्जी ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाट, नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग। तो लास्ट क्लास में यदि याद हो तो मैंने बताया था कि नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग कैसे निकालेंगे, तो इस केस में हो जाएगा आई ए कॉस थीटा, आई दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग, एंड ए कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ दैट एरिया परपेंडिकुलर टू एनर्जी फॉलिंग, क्लियर गाइस? आई ए कॉस थीटा इंटू टी, क्योंकि टाइम टी के लिए फॉल कर रहा होगा, आई ए कॉस थीटा टी बाई एच न्यू, क्लियर गाइस? ये हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस, एच न्यू, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, सो आई इंटेंसिटी, ए इज द एरिया, कॉस थीटा इज द कॉस ऑफ दैट एंगल मेड बिटवीन नॉर्मल एंड दैट फॉलिंग रेस, एंड टी इज द टाइम टेकन, एंड एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, पी इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफिशियंसी। सो जस्ट टेक आउट दिस वैल्यूज एंड पुट इट देयर, सो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट ई बाई टी इंटू पी बाई 100 इंटू आई ए
कॉस थीटा इंटू टी बाई एच न्यू। नाउ क्लियर गाइस? तो आप ध्यान से देखिए, तो अब आपका जो बहुत सारी चीज़ें कट जाएंगी, टी से टी कट गया, अब बहुत प्यारी चीज़ कट गई। चलो आओ, तो आई की वैल्यू क्या आ गई, आई की वैल्यू को देखना, मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट करके लिखूंगा, ए इंटू ई, ए इंटू ई बाई 100 इंटू कॉस थीटा बाई एच मल्टीप्लाइड बाई आई पी बाई न्यू, आई पी बाई न्यू। वाह, ए कांस्टेंट होगा, ई कांस्टेंट होगा, कॉस थीटा कांस्टेंट होगा, एच कांस्टेंट होगा, 100 कांस्टेंट होगा। तो ये तो कांस्टेंट हो गया, मतलब मैं कह सकता हूं कि इंटेंसिटी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई पी बाई न्यू। और बेटा एक बात बताएं, जानकार पंडित लोग पढ़ा देते हैं बच्चों को कि भैया जो करंट होता है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं होता है। अच्छा, तो यदि फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट ही होता तो एनसीईआरटी पे ये क्यों लिखा रहता है कि भैया यदि हम इंटेंसिटी और सेचुरेशन करंट के बीच का ग्राफ ड्रा करेंगे, इंटेंसिटी और सेचुरेशन करंट के बीच का ग्राफ ड्रा करेंगे तो वो कुछ ऐसा आएगा, यदि हमने फ्रीक्वेंसी, अप्लाइड पोटेंशियल, इन सारी चीजों को कॉन्स्टेंट रखा है। फिर यदि फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा तो फ्रीक्वेंसी की बात क्यों कर रहे हो? फिर ये बोलो ना कि कार्तिकेय इज गुड बॉय, सो दिस इज द वेरिएशन। तुम्हें पता है ना कि कार्तिकेय गुड होने से, बैड होने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेचुरेशन करंट पे, इसीलिए कार्तिकेय गुड बॉय जिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हें पता था कि तुम फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा, इसीलिए तुमने ये कहा कि कीपिंग फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट, तब ये वेरिएशन आया। लेकिन जानकार पंडित तब भी ये मानने को तैयार नहीं होते कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब कई लोगों को क्वेश्चन फिर उंगली होती है, अब उंगली ये होती है कि तो सर ग्राफ अभी बता रहा हूं, मैं अभी एक दो ग्राफ बना के दिखाता हूं, उन ग्राफ में करेक्ट क्या होना चाहिए और फॉल्स क्या होना चाहिए। तो ये क्लियर हो यदि कि आई न्यू अपॉन, सॉरी आई पी अपॉन न्यू। अब देखिए मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे। न्यू पी को कांस्टेंट कर दीजिए, इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग इंक्रीज कर जाएंगे, तो नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करने मतलब फोटो करंट इंक्रीज करना, बहुत अच्छा। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना मतलब, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना मतलब कि ये हुआ कि सेम एनर्जी के हमने बड़े बड़े पैकेट बना दिए, तो जब बड़े बड़े पैकेट बना दिए तो नंबर ऑफ पैकेट तो घट जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग तो डिक्रीज कर गए। क्लियर गाइस? लेकिन आप खुद से सोचिए कि जब बड़ा पैकेट फॉल करेगा तो हो सकता है कि पहले जो इलेक्ट्रॉन ना निकल रहा हो अब वो इलेक्ट्रॉन भी निकल जाए। इसका मतलब बड़े पैकेट के फॉल करने पे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफिशियंसी है वो भी इंक्रीज कर गई, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी पे चेंज होता है उसका इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं दिखता। लेकिन जो लोग कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, वो पापी हैं। ये बात याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज करने पे फोटो इलेक्ट्रिक इफिशियंसी भी चेंज होगी, जिसकी वजह से उस इफेक्ट को लोग निग्लेक्ट कर देते हैं। बट टॉकिंग की भैया फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, दैट इज काइंड ऑफ पाप, क्राइम है वो। क्लियर गाइस? अब देखिए मैं आपको क्राइम को बताता हूँ, क्राइम के बारे में बताता हूँ कि यह एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एससी वर्मा ऑब्जेक्टिव सेकंड क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर बी, जाके चेक करिएगा तो आपको पता चलेगा कोई आइडिया। जानकार पंडित कुछ और कहेंगे और वो क्वेश्चन कुछ और कहेगा, चलिए देखते हैं। तो ये क्लियर हो गया है, ये किसकी वैल्यू आई है, ये आई अपने फोटो करंट की वैल्यू आई है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं, या इसे सैचुरेशन करंट भी बोल सकते हैं। अपन ने माना है कि मैक्सिमम का केस निकाला है, मैक्सिमम करंट की वैल्यू निकाली है, चलिए देखते हैं आगे। नाउ गाइस मैं कुछ कुछ एग्जांपल लेके देखता हूँ, ठीक है ना। तो कुछ जब एग्जांपल दूंगा थोड़ा आइडिया क्लियर होगा अपना, ठीक है। लेट अस सपोज दो फोटो सेल्स हैं, एक फोटो सेल पी वन है जिसमें कि लाइट फॉल कर रही है इंटेंसिटी आई की, ठीक है ना। दो सिमिलर फोटो सेल्स हैं, एक इंटेंसिटी आई की फॉल कर रही है और जो उसमें लाइट फॉल कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है। क्लियर गाइस? दूसरे केस में जो दूसरा फोटो सेल है पी टू, उसमें जो इंटेंसिटी है वो 2i है लेकिन फ्रीक्वेंसी अभी भी कितनी है, न्यू है। तो दोनों का वेरिएशन ड्रॉ करना है। अब ये क्वेश्चन अपन करना स्टार्ट कर दिए, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब अपन को बोला है कि दोनों सेल्स के लिए, दोनों फोटो सेल्स के लिए सेचुरेशन करंट या जो करंट होगा फोटो करंट, उसका अप्लाइड पोटेंशियल का मतलब ग्राफ ड्रॉ करिए अप्लाइड पोटेंशियल के बेसिस पे। तो चलिए देखते हैं एकदम। तो दोनों की जो केस में फॉलिंग फ्रीक्वेंसी है वो सेम है,
तो जब फॉलिंग फ्रीक्वेंसी सेम है मतलब फॉलिंग एनर्जी सेम है, जब फॉलिंग एनर्जी सेम है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट की वैल्यू दोनों केस में सेम आएगी, क्योंकि भैया एच न्यू 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 तो दोनों में है, तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, जब दोनों फोटो सेल सिमिलर हैं तो न्यू नॉट भी दोनों के लिए सिमिलर होगा, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी दोनों के लिए सेम होगी, तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट दोनों के लिए सेम हो गया, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दोनों के लिए सेम आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि स्टॉपिंग पोटेंशियल भी दोनों के लिए क्या आएगा, सेम आएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के ई मैक्स इक्वल टू कितना होता है, दैट इज ई इंटू वी एस। सो दोनों के लिए के ई मैक्स वन इक्वल टू के ई मैक्स टू आएगा, तो वी एस वन इक्वल टू वी एस टू आएगा, मतलब दोनों का ग्राफ स्टार्ट तो सेम पॉइंट से ही होगा, यदि ये वी है और ये आई है, आई बोले तो करंट, वी बोले तो पोटेंशियल अप्लाइड, लेकिन ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। क्लियर है गाइस? दोनों ग्राफ में आप सोच रहे होंगे अंतर क्यों आया, तो ये आया आपका फोटो सेल वन का और ये आया फोटो सेल टू का। क्यों मैंने ऐसे बनाया, क्योंकि देखिए दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल तो सेम होगा, वी एस तो दोनों का सेम होगा क्योंकि फॉलिंग फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन दोनों में इंटेंसिटी अलग अलग फॉल कर रही है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ फोटोन अलग अलग फॉल करेंगे, तो जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन फॉल करेंगे उसमें ज्यादा ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और जब ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उसका जो सेचुरेशन करंट आएगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इसलिए आप देख सकते हैं फोटो सेल टू के लिए सेचुरेशन करंट ज्यादा आ रहा है और फोटो सेल वन के लिए सेचुरेशन करंट कम आ रहा है। क्लियर है गाइज? ये देखिए ये आई एस टू की वैल्यू है और ये आई एस वन की वैल्यू है। क्लियर है गाइज? तो ये आपका पहला वेरिएशन क्लियर हो गया ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। अब बोला है फोटो सेल वन है, ठीक है गाइज, फोटो सेल वन है जिसमें कि बोला है इंटेंसिटी आई फॉल कर रही है, फ्रीक्वेंसी न्यू फॉल कर रही है। क्लियर है? फोटो सेल टू है जिसमें बोला है कि फ्रीक्वेंसी आई फॉल कर रही है लेकिन जो फ्रीक्वेंसी सॉरी इंटेंसिटी आई फॉल कर रही है लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो टू न्यू हो गया है। क्लियर है गाइस? अब देखिए जानकार पंडित के अनुसार क्या होता, जानकार पंडित इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनाते, वो ऐसे बनाते कि भैया जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा फॉल कर रहा है उसके केस में के ई मैक्स ज्यादा आएगा, तो के ई मैक्स ज्यादा आएगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा बड़ा लगेगा रोकने के लिए, तो भैया पी टू के लिए जो वी एस टू होगा वो अलग आएगा, ये आएगा वी एस टू। क्लियर है? वी एस वन थोड़ा कम आएगा, वी एस वन क्यों, क्योंकि इसमें कम फ्रीक्वेंसी फॉल करेगी तो कम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो भैया उसको रोकना ज्यादा आसान होगा तो कम पोटेंशियल पे ही रुक जाएगा, लेकिन इंटेंसिटी सेम है तो उनके अनुसार दोनों का जो मैक्सिमम करंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। क्लियर है? जो आई एस होना चाहिए सेचुरेशन करंट होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ये किसके अनुसार है? जानकार पंडित के अनुसार है और एनसीईआरटी के अनुसार है। क्लियर है गाइस? लेकिन हम देख सकते हैं कि भैया न्यू के ऊपर करंट डिपेंड कर रहा है, न्यू के ऊपर जब करंट डिपेंड कर रहा है तो इसका करेक्ट ग्राफ क्या होना चाहिए, इट्स करेक्ट ग्राफ शुड बी लाइक दिस, कि भैया ये आपने ड्रॉ किया किसके लिए, लेट अस सपोज आई वन फोटो सेल वन के लिए ग्रह, तो आई वन की वैल्यू कितनी आती, आई पी बाई न्यू वन, और पी वन इसको बोले आई पी वन बाई न्यू वन। क्लियर है? और आई टू की वैल्यू कितनी आती, वो आती आई पी टू बाई न्यू टू। क्लियर है गाइस? आई पी टू बाई न्यू टू, तो न्यू टू की वैल्यू कितनी आती, टू न्यू होती, तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि आई वन की वैल्यू क्या होगी, आई वन की वैल्यू ज्यादा होगी आई टू के कंपेरिजन में, आई वन की वैल्यू ज्यादा होगी, यदि ये वी एस वन है तो आई वन की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है गाइस, इन कंपेरिजन टू आई टू के। हाँ, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आई वन आई एस वन और आई एस टू के बीच में डबल का रेशियो होगा। क्यों डबल का रेशियो नहीं कह सकते, क्योंकि भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफिशियंसी में भी चेंज आया होगा, इसीलिए ये तो नहीं कहेंगे कि डबल का रेशियो होगा, लेकिन ये तो हम अच्छे से कह सकते हैं कि ज्यादा होगा। क्लियर है? तो इसका ग्राफ कुछ कैसा आता, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता, मतलब अब आप बोलेंगे सर ये क्रॉस इसके पहले हो जाएगा, नहीं ये क्रॉस इसके बाद होगा, लेकिन ये ग्राफ मैंने ऐसे बना दिया, तो प्लीज मेरे इस पॉइंट को मत उंगली करिएगा कि सर आपने तो यहाँ पे ग्राफ गलत बना दिया, नहीं बच्चा ये ग्राफ मैं अलग ही बनाता, इधर ही क्रॉस सेक्शन होता कहीं पे, ठीक है ना, या क्रॉस सेक्शन देख लीजिएगा कहाँ पे होगा, ये मेन मुद्दा नहीं है, मेन मुद्दा ये है कि इनकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी कितनी होंगी, तो ये आ गया आई एस टू, क्लियर है गाइस, और ये आ गया आपका वी एस टू। तो आप देख सकते हैं कि दूसरे केस में फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी, जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से वहां का सेचुरेशन करंट कम हो गया, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफिशियंसी थोड़ी सी इंक्रीज कर गई होगी जिसकी वजह से इनके बीच डबल का रेशियो नहीं कह सकते, लेकिन कम ज्यादा तो कह सकते हैं, बट
फिर भी जेई मेंस में मैं बोलूंगा कि प्लीज यही वाला आंसर लगाइएगा। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए। चीजें बने कौन से पाए, लेकिन फिर भी वो लगाना वही है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी जो चेक करेगा वो अपने अपने जो मतलब जेई मेंस चेक करेगा कॉपी, वो किसके बेसिस करेगा? एनसीईआरटी के बेसिस पे करेगा। तो जब एनसीईआरटी के बेसिस पे करेगा तो आपको फिर थोड़ा सा यहाँ पे उंगली कर देगा। तो इसीलिए जेई मेंस में ये करेगा और आईआईटी जेई में ये करिएगा। आईआईटी जेई में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे केस की। अब देखिए, ये क्वेश्चन है किसका? एससीवी का है कि आई से टू आई कर दिया गया, ठीक है ना, और न्यू से टू न्यू कर दिया गया। तो पूछा है कि जो इस केस में फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा और जो इस केस में फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा, उन दोनों में क्या चेंज आए होंगे? तो अकॉर्डिंग टू जानकार पंडित, जिनके अनुसार फ्रीक्वेंसी के ऊपर चीज डिपेंड नहीं करती है, उनके अनुसार करंट क्या होना चाहिए? इंटेंसिटी आई पे करंट आई रहा होगा, तो भैया टू आई पे ट्वाइस हो जाना चाहिए करंट। क्या हो जाना चाहिए? ट्वाइस हो जाना चाहिए। लेकिन जाके देख लेना ऑप्शन नंबर सेकंड पे, जो बी ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 10 ऑब्जेक्टिव सेकंड का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर, एससी वर्मा, ठीक है ना, जाके चेक करना बच्चा। वहां पे आपको मिलेगा करंट बोला है ऑलमोस्ट सेम। क्या बोला है? ऑलमोस्ट सेम बोला है। ऑलमोस्ट सेम क्यों बोला? सेम भी नहीं बोला। क्यों सेम नहीं बोला? क्योंकि जो पहले केस में करंट आया होता वो कितना आया होता? आई बाई न्यू इंटू पी, ये आई वन की वैल्यू आती। और जो आई टू की वैल्यू आती वो कितनी आती? वो आती टू आई बाई टू न्यू इंटू पी डैश। याद रखिएगा, आप पी की बजाय पी डैश हो गया होगा, इसीलिए टू से टू तो कैंसिल हो गया, तो आई बाई न्यू, आई बाई न्यू तो सेम है, लेकिन पी और पी डैश में जो चेंज आया होगा वो बहुत ही कम आया होगा या एकदम नेग्लिजिबल चेंज आया होगा, जिसकी वजह से हम ये भी नहीं कह सकते कि आई वन आई टू सेम होंगे। हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सेम होंगे। इसीलिए जहां के ध्यान से देखिएगा तो वहां पे लिखा होगा ऑलमोस्ट सेम, ना कि सेम। क्लियर है गाइस? और जानकार पंडित के अनुसार तो डबल होना चाहिए था, तो एटलीस्ट डबल तो लिखा होता। ऑलमोस्ट सेम और डबल का मतलब सेम तो नहीं होता, यदि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ अपने बच्चों को। तो गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो कि बच्चों से बनना चाहिए था। क्लियर है गाइस? और एससी वर्मा तो अभी स्टैंडर्ड बुक है, बहुत बार वो क्या कहते हैं रिवाइज हो चुकी है, ठीक है ना, और बहुत बड़े बड़े टीचर भी यही शब्द यूज कर चुके हैं, इसीलिए मैं इतना कॉन्फिडेंस साथ बोल पा रहा हूँ। बंसल की सीट पे ये क्वेश्चन भी है, इसका आंसर भी यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन बच्चा, कई बार क्या होता है ना कि मैंने एक कहानी सुना था कि टाइगर भागा और एक कुत्ता भागा, ठीक है ना, मतलब सॉरी, रेस हुई कुत्ते की और टाइगर की। तो कुत्ते भाग चले, टाइगर बैठा रह गया, तो वो सबको सोचे कि टाइगर हार गया, डर गया, ठीक है ना। तो उसके मालिक से पूछे कि टाइगर भागा क्यों नहीं, तो वो क्या बोला कि सर, कई बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती खुद को, क्योंकि ये तो सबको पता कि कुत्ते से तेज ही होता टाइगर, लेकिन टाइगर को प्रूफ करने की क्या जरूरत? प्रूफ करने जाएगा खुद की तो वही नहीं है। उसी तरह जब यदि कोई इस बात पे लड़े तो बोले आप सही हैं, आप सही हैं, बधाई हो, बधाई हो, चलिए मिठाइयाँ खिलाइए, बधाई हो, लेकिन रियलिटी क्या है वो तो आप भी देख सकते हैं। क्योंकि मैंने करंट कहाँ से निकाला था? मैंने करंट निकाला है क्यू बाई टी से। मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया था, क्यू बाई टी से एकदम बेसिक तरीके से निकाला था। क्लियर है गाइस? तो मेरा मानना है कि शायद तक आप लोगों को सैचुरेशन करंट और फोटो इलेक्ट्रिक करंट या स्टॉपिंग पोटेंशियल, इन सब का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी अपन एक आईआईटी जेई की प्रॉब्लम करके देख लेते हैं, थोड़ा आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना, चलिए देखते हैं। नाउ गाइस, देयर वाज अ क्वेश्चन इन आईआईटी जेई 2006, ठीक है ना, आईआईटी जेई 2006 का क्वेश्चन था। और हाँ, एक बात और बताना था कि ये जो लेक्चर्स दे रहा हूँ ये नीट वाले बच्चों के लिए भी है, और नीट वाले बच्चों के लिए न्यूज़ ये है कि हमारे चैनल में अब बायो भी आ चुकी है। तो जो मैथ्स वाले बच्चों हैं, यदि उनके रिलेटिव बायो पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए बायो भी आ चुका है, ठीक है ना। IMS BHU के अश्विनी सर हैं, बहुत ही अभी मतलब यंग हैं, ठीक है ना, और बहुत ही एनर्जेटिक है। फर्स्ट ईयर में तो एनर्जी अलग ही उनकी दिखती है, ठीक है ना, और बहुत अच्छा पढ़ाते हो। तो यदि किसी बच्चे को पढ़ना हो बायो का कोई कॉन्सेप्ट, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं। हमारे चैनल में ढेर सारी वीडियोस आ चुकी हैं बायो की। तो इसलिए मेरा सजेशन है हर बच्चे को कि प्लीज इस बात को भी लोगों के साथ कन्वे करिए, ठीक है ना। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि फिजिक्स तो फ्री ऑफ कॉस्ट आ ही रहा आपके पास, केमिस्ट्री भी आने लगा धीरे धीरे करके, ठीक है ना। मैं बहुत सारे ट्यूटर से बात कर रहा हूँ यार, एक कोई ट्यूटर नहीं लाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सारे टॉपिक आएंगे आपके पास, ट्रस्ट मी। फिजिक्स तो मैं पूरा करके दूंगा, बट वेन यू विल टॉक अबाउट मैथ्स एंड केमिस्ट्री,
मैथ्स विल बी कंप्लीटेड बाई सौम्या मैम एंड अदर ट्यूटर्स, बट वेन यू विल टॉक अबाउट केमिस्ट्री देन आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट बाई एनी ट्यूटर. मैं ट्राई करूंगा किसी भी ट्यूटर की हेल्प लूँ, बट इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन टाइम. एंड गाइज वेन यू विल टॉक अबाउट बायो देन देर इज अ फिनिशर, सो जस्ट गो एंड वॉच दोज वीडियोज. क्लियर गाइज? तो चलिए देखते हैं आई आई टी जे 2006. सो गाइज ये क्वेश्चन आई आई टी जे 2006 में पूछा गया था, इसमें था क्या, इसमें आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल और 1/λ के बीच में वेरिएशन दिया था तीन डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए ऐसे कुछ. ठीक है गाइज, थीटा थीटा पे थे तीनों इंक्लिनेशन, थीटा थीटा पे हैं. क्लियर गाइज? बोला था कि जो इसकी वैल्यू है वो 0.01 है, इसकी जो वैल्यू है 0.02 है, और इसकी जो वैल्यू है 0.03 है, मतलब 1/λ की वैल्यू दिए हुए थे तीनों की. और पूछा था कि यदि इस केस में फाइव वन है वर्क फंक्शन और इस केस में फाइव टू है और इस केस में फाइव थ्री है, तो तीनों के बीच में रेशियो क्या होगा, फाइव वन रेस टू फाइव रेस टू फाइव थ्री क्या होगा. क्लियर गाइज? तो एकदम बेसिक से सोचते हैं. हमारे पास इक्वेशन क्या थी, हमारे पास इक्वेशन थी ई इंटू वी एस इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. क्लियर है गाइज? तो ध्यान से देखिए इन तीनों केसेस में, इस पॉइंट पे भी स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो है, इस पॉइंट पे भी स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो है, और इस पॉइंट पे भी स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो है. तो जब उन सारे पॉइंट पे स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो है, तो यदि इसकी वैल्यू अपन सीधे सीधे जीरो रखा दें, तो क्या मैं ऐसा कर लिख सकता हूँ इसे, एस सी बाई लैम्डा मैक्स, या ऐसे लिख सकते हैं कि एस सी बाई लैम्डा, लैम्डा मैक्स मत लिखिए सॉरी, एस सी बाई लैम्डा इजक्वल टू फाइव. क्यों एस सी बाई लैम्डा इजक्वल टू फाइव लिखा, वो ध्यान से देखिए, तो ई इंटू वी एस की वैल्यू तो जीरो हो चुकी होगी क्योंकि वी एस जीरो है इन पॉइंट्स पे. क्लियर है? और एच न्यू नॉट क्या है, ये क्या है, दिस इज फाइव दैट इज वर्क फंक्शन, और न्यू की हमें क्या लिख दिया, एस सी बाई लैम्डा. तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि ये क्या दिख रहा है, एस सी इंटू वन बाई लैम्डा इजक्वल टू फाइव. तो लैम्डा वन के लिए फाइव वन, वन बाई लैम्डा टू के लिए फाइव टू, ये मल्टीप्लाई में रहेगा एस सी. ठीक है ना गाइस? इसी तरह लैम्डा थ्री, तो इन दोनों को डिवाइड करा दीजिए, तो ये से ये कट गया, ये क्या हो गया, वन बाई लैम्डा वन की वैल्यू कितनी है 0.01, वन बाई लैम्डा टू की वैल्यू कितनी है 0.02, तो इनका रेशियो कितना आ गया, वन रेस्ट टू, मतलब फाइव वन फाइव टू के बीच में कितना आ गया, वन बाई टू का कॉन्सेप्ट आ गया. उसी तरह अगले वाले में होगा, तो क्या आ गया, फाइव वन रेस टू फाइव टू रेस टू फाइव थ्री जो आया होगा वो रेस्ट टू, रेस्ट टू कितना आ गया, वन रेस्ट टू टू रेस्ट टू थ्री. क्लियर है गाइज? दिस वॉज द क्वेश्चन ऑफ आई आई टी जेई जो कि बहुत ही बेसिक इक्वेशन पे डिपेंडेंट था. तो गाइज ये अपन को क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से हो गया, क्यों, क्योंकि अपन का थ्योरी पोर्शन क्लियर है. क्लियर है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, थोड़ा आइडिया लगेगा, आई आई टी का ही करके देखते हैं. नाउ गाइज दिस वॉज द क्वेश्चन ऑफ आई आई टी जेई 2004 आई थिंक सो. ठीक है ना, आप एक बार चेक कर लीजिएगा इसका सन, मुझे याद नहीं है, बट दिस वॉज द क्वेश्चन इन आई टी जे. और बोला था कि तीन डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए उसने वेरिएशन ड्रॉ किया था, तीन डिफरेंट सेल के लिए बोल दीजिए है, किसकी किसी जो करंट और अप्लाइड पोटेंशियल के बीच में, तो ये तीन ग्राफ आए थे ए बी सी, और बोला था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है इन चारों के लिए. तो देखना आई आई टी कितनी प्यारे तरीके से बच के निकल गया, वो कंट्रोवर्सी ना क्रिएट हो, कौन वाली समझ गए होंगे. तो चलिए चेक करते हैं करके, पहला ऑप्शन चेक करते हैं, क्या बोला है, एफ ए इक्वल टू एफ बी. तो जब फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ ए इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ बी, इसका मतलब दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होना चाहिए. हाँ चलो सेम है, दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है. फिर क्या बोला है, आई ए शुड नॉट बी इक्वल टू आई सी, आई ए शुड नॉट बी इक्वल टू आई सी. क्लियर है गाइस? तो आई ए शुड नॉट बी इक्वल टू आई सी, मतलब इंटेंसिटी ऑफ ए विल नॉट बी इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ सी. वाह कितनी प्यारी बात है कि इंटेंसिटी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ सी. हाँ वो तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि दोनों के क्या हो रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट अलग अलग आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों की इंटेंसिटीज मैच नहीं कर रही हैं. अब चलिए अगला केस देखते हैं, एफ ए इक्वल टू एफ सी बोला है. ठीक है ना, एफ ए इक्वल टू एफ सी मतलब दोनों का फ्रिक्वेंसी सेम, तो दोनों का पोटेंशियल सेम, स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं, इसका अलग है इसका अलग है, मतलब ये ऑप्शन तो साफ साफ गलत है. क्लियर है गाइस? उसके बाद क्या बोला है, एफ ए इक्वल टू एफ बी, मतलब बोले तो फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ ए इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ बी. चलिए मान लिए कि दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है क्योंकि वो दिख रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है इसलिए.
लेकिन उसके बाद क्या बोला, आई ए शुड बी इक्वल टू आई बी, मतलब दोनों का इंटेंसिटी भी सेम होना होना चाहिए। तो यदि दोनों का इंटेंसिटी सेम होना चाहिए तो दोनों का सेचुरेशन करंट भी क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी सेम और सेचुरेशन करंट सॉरी इंटेंसिटी भी सेम, तो दोनों का सेचुरेशन करंट क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। लेकिन ध्यान से देखिए तो दोनों का सेचुरेशन करंट क्या है, सेम नहीं है, इसका अलग है और इसका अलग है, मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। नाउ टॉक अबाउट फोर्थ ऑप्शन, एफ बी इज इक्वल टू एफ सी, एफ बी इज इक्वल टू एफ सी, ये तो पहले ही गलत दिख रहा है। साफ साफ सी बात है कि एफ बी इज इक्वल टू एफ सी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि भैया इन दोनों में अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इसलिए। क्लियर है गाइस? तो ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट। नाउ गाइस, अब बात ये आती है कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने ये नहीं बताया कि डबल का रेशियो होगा, सिंगल का रेशियो होगा, ग्रेटर होगा, लेस होगा, नॉट इक्वल्स टू कह के कितना आसानी से बच के निकल गया। क्लियर गाइज? वही चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो गाइज ये तो था पूरा का पूरा वेरिएशन जो कि आपसे बनना चाहिए था। इसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर पे कंटिन्यू करेंगे आगे। अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म नहीं हुआ है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ही अपन को अभी बहुत सारे वेरिएशन करने बाकी हैं। क्लियर गाइज? और फिर एक अगले लेक्चर में पढ़ेंगे अपन लोग फोर्स ड्यू टू फोटोन पार्टिकल्स विच आर फॉलिंग ऑन अ सरफेस। सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर, एंड इफ यू लाइक दिस लेक्चर देन जस्ट गिव थम्स अप एज वेल एज सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोज, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट नोटिफिकेशन बेल, बिकॉज यू नो वॉट, यदि आप नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाएंगे तो आपको नए आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। सो ऑन दैट केस आप मेरा लेक्चर मिस करेंगे। सो प्लीज गाइज पुश दैट पर्टिकुलर बटन। बाय बाय।